इतिहास ये गवाही देता है कि कभी वहां पर भाईचारा खराब नहीं हुआ था। सिर्फ इस बार जो नूह हिंसा हुई, वो पहला एकमात्र ऐसा हादसा कह ले या फिर जो घटना घटी वहां पर, पहली बार दोनों समुदाय आमने सामने थे। ब्रज यात्रा को लेकर ये विवाद सारा खड़ा हुआ था। गन्नौर देवेंद्र कादियान अभी भी आगे चले, निर्दलीय उम्मीदवार है यहां से देवेंद्र कादियान। बीजेपी से टिकट की आस थी, लेकिन निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े हुए देवेंद्र कौशिक पर भरोसा जताया बीजेपी ने यहां से। देवेंद्र कौशिक रमेश कौशिक के भाई हैं, जो सांसद है बीजेपी के। सांसद जब लोकसभा का चुनाव था तब भी उनको टिकट नहीं दिया था, मोहनलाल बड़ौली को टिकट दिया था। इस बार विधानसभा में उनके भाई को टिकट दिया, तो नाराजगी देवेंद्र कादियान की बड़ी सांप ला के लोई। आगे चल रहे हैरानी वाली बात नहीं, आंकड़ा आगे ही रहेगा मुझे लगता है। मंजू, मैं बार बार आपसे यही पूछता रहूंगा, जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाएंगे कि हम आगे चल रहे हैं, मैं पूछूंगा सुदेश हैरान तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल, बहुत कमजोर उम्मीदवार क्योंकि सामने मंजू हुड्डा है। जरूर एक कोशिश बीजेपी की थी कि उसी समुदाय से लाकर थोड़ा कमजोर नहीं कहेंगे मंजू हुड्डा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है। हाँ, बहुत बड़े कद के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और जब ये लग रहा हो कि एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल तक बीजेपी सत्ता में है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो सही वक्त पर एड्रेस नहीं किए गए, तो उस बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वन मैन आर्मी रहे। हुड्डा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बार बार जितने भी पत्रकार हैं वो पूछते हैं कि जी आप भी मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हो, कुमारी शैलजा भी कर रही है, रणदीप सुरजेवाला भी कर रहे हैं। तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, शायद दिल्ली की थी या रोहतक की थी, ये मुझे याद नहीं आ रहा, तो पत्रकार ने पूछा कि हुड्डा साहब आप भी दावा कर रहे हैं, शैलजा भी कर रही हैं, रणदीप सुरजेवाला भी कर रहे हैं, तो हुड्डा साहब उनको कह रहे थे तू भी कर ले। वो अंदाज है हरियाणवी लोगों का, वो अंदाज है। और अगर थोड़ी देर तक बात करते नायब सिंह सैनी, तो वो भी दिखाते हैं वो किस तरीके से चुटकुले सुनाते बातचीत करते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गड़ी सांपला किलोई से आगे चल रहे हैं, चार बार सांसद भी रहे हैं और पांचवी बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, चार बार वहां से विधायक चुने गए। इस बार मार्जिन जीत का कितना रहता है इसी पर नजरें हैं। मंजू हुड्डा उनको उतारा गया बीजेपी की तरफ से, और ये टैली हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे रुझान, और उसके बाद ये रुझान क्या परिणाम में तब्दील होंगे इस पर भी नजरें। बहुत सारी सीटें, कुल मिलाकर 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तस्वीर साफ नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है। 24 का चक्रव्यूह इसलिए क्योंकि चक्रव्यूह रचा जाता है चुनावी बिस्सात पर एक दूसरे के खिलाफ। कैथल सीट हाई प्रोफाइल सीट है, आदित्य सुरजेवाला इनकी नहीं, इनके पिता जो राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी कैथल से, क्योंकि सामने लीलाराम गुर्जर है। आदित्य सुरजेवाला उनके पिताजी रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के जो पिताजी शमशेर सुरजेवाला, वो बड़े कद के नेता थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चुनाव लड़ा जा रहा, राजनीति की जा रही है। अब युवा है, 30 साल की उम्र इनकी आदित्य सुरजेवाला की, इनको चुनावी रण में उतारा है इनके पिता की तरफ से। सुरजेवाला भी अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए, बदला जाता कि अभी सूरज भारद्वाज जी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अगर भाजपा की आ गई तो इस बार दावेदारी यहां से भी, पहली बार कहा कि मैंने तो इतने सालों से मांगा ही नहीं, जब दो विधायक होते थे बीजेपी के हरियाणा में तब से मैं चुनाव लड़ता और जीतता रहा। और सही बात है, 6 बार लगातार विधायक बनना, 7वीं बार फिर मजबूत है वहां से। इस बार चित्रा सरवाना ने जरूर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में, हम कहें तो 2014 से पहले कोई इतना बोलबाला नहीं था। इनेलो के साथ एक छोटी सी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती, 4 विधायक और दो विधायक, पत्रकारों के जो संपर्क में रहते थे, जो मैसेज भेजते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनमें अनिल विज साहब होते थे, एक रामविलास शर्मा होते थे और एक ओपी धनखड़ होते थे। जीत का सहरा तो 2014 की जीत का सहरा तो रामविलास शर्मा के सर पर सजना चाहिए था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए। कमलेश डांडा बहुत पूर परफॉर्मेंस हर बार रही इनकी, मंत्री पद इनको दिया, राज्य मंत्री थी, लेकिन इस बार लगा कि बीजेपी शायद टिकट काट देगी, लेकिन टिकट नहीं काटा, अभी पीछे चल रही। कोई हैरानी की बात नहीं मुकेश जी यहाँ पर, अगर ये पीछे चल रही है, इसमें भी आप बहुकोणीय मुकाबला है। बहुकोणीय ऐसे कि रामपाल माजरा इनेलो की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के मजबूत है, कद्दावर नेता है, वो चुनाव मैदान में है। ये विकास सहारण, इनका अपना कद नहीं, जैसे कि हमने पहले बात की आदित्य सुरजेवाला की, वो राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। विकास सहारण हिसार से लोकसभा सांसद जेपी के बेटे हैं, तो बेटे को टिकट दिलवाया, टिकट से पहले नॉमिनेशन करवा दिया था 11 तारीख को ही, और उसके बाद अब आगे चल रहे रुझानों में, लेकिन सामने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। कॉन्फिडेंस था या मतलब कांग्रेस को धमकी? वो कहते कि हम ही कांग्रेस हैं। अच्छा। जब उनसे पूछा गया कि बिना टिकट के नॉमिनेशन, तो कहा कि हम ही कांग्रेस हैं, असली कांग्रेस हम है। देवेंद्र सिंह बबली, ये राहत है थोड़ी सी फिलहाल रुझानों में टोहाना से। अच्छा। लगा था कांग्रेस की टिकट मिलेगी। बबली की भी ये जो जीत है, इसको भी आप जीत नहीं कहूंगा मैं, रुझान आगे चल रहा है जो रुझान है। तो जेजेपी में थे, फिर जेजेपी के बाद इन्होंने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया, वहां पे टिकट मांगी, नहीं मिली,
फिर भाजपा से अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका पर्सनल तौर पे रुतबा अच्छा है या जनाधार है? लेकिन मुश्किलें हैं अपने ही पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से, जो एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले। पीछे कविता रानी पहलवान, WWE में पहलवानी करती रहे कविता रानी। जुलाना सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, ये बताइए कि आगे कौन है? दिनेश फोगाट यहाँ से चली है ये ना जी, जो खली है अपने जी, वो उनकी टीम से रही, वहां पे ट्रेनिंग ली बकायदा उन्होंने जालंधर में जाकर। जुलाना से दिनेश फोगाट है, बड़ा चेहरा है, ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश विदेश के लोग भी जाना चाहते कि जुलाना विधानसभा का परिणाम क्या होगा। ये कविता रानी की तस्वीर आ गई तो आप ये मान के चलो कि जो दिनेश फोगाट की नहीं आई तो वो आगे चल रही है, अगर ये पीछे ये आ गई दिनेश फोगाट आगे चल रही है। लेकिन यहाँ पर भी बहुकोणीय मुकाबला है, बहुकोणीय इसलिए कि अमरजीत ढांडा सिटिंग MLA है, JJP की टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा था, एकमात्र ऐसे विधायक जो JJP के साथ जुड़े रहे, तीन विधायक बचे थे, सात भाग गए थे। इनकी जो आगे चल रही है इसको लेकर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अभी? क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला है, जो पहले लग रहा था कि एक तरफा माहौल होगा वैसा माहौल चुनाव प्रचार खत्म होते तक नजर नहीं आया, क्योंकि BJP ने जो जातीय समीकरणों को लेकर अपने उम्मीदवार को उतारा था, उसके बाद JJP की तरफ से अमरजीत ढांडा बहुत कमजोर नहीं, पार्टी कमजोर है। और मामन खान, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया था, फिरोजपुर झिरका से मामन खान आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की हवा का फायदा क्या मामन खान को मिल रहा है, और थोड़ा माहौल वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब होते रुझानों में तो नजर आ रहे हैं। आफताब अहमद बड़े कद के नेता है, नू से इस बार आगे हैं, यहाँ कोई हैरानी नहीं कि इस सीट पर ये रुझानों में और परिणामों में दोनों में आगे रहे और जीत दर्ज करें। आफताब अहमद बड़ा नाम है कांग्रेस में और नू क्षेत्र में, लगातार बेदाग छवि आफताब अहमद की, और अभी रुझानों में आफताब अहमद आगे चले। लेकिन यहाँ अगर हम नू की बात करें तो ये बड़ा चेहरा है अरविंद शर्मा, रोहतक से हार गए थे चुनाव दीपेंद्र हुड्डा से, जितनी बड़ी पिछली जीत थी उतनी बड़ी इस बार हार थी। लेकिन गोहाना से इनको टिकट दिया है, योगेश्वर दत्त टिकट की चाह में थे, दरवाजा खटखटाया था आलाकमान का योगेश्वर दत्त ने, पूर्व ओलंपियन मेडलिस्ट, लेकिन टिकट इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा को। बगावत भी बड़े स्तर पर हुई थी, कुलदीप शर्मा गन्नौर से पीछे, यहां देवेंद्र कादियान क्या बाजी मार जाएंगे जो निर्दलीय हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक, अगर ये पीछे चल रहे हैं तो जाहिर है बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुलदीप शर्मा चेहरों पर मुहर लगाएगी जनता, या फिर किसी युवा में अपना भविष्य तलाशेगी गन्नौर की जनता, इस पर नजरें हैं। देवेंद्र कादियान मजबूत है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलो से आगे, ये तस्वीर बार बार ये भी दिखा रही है कि इसी चेहरे के पीछे पूरा चुनाव ये लड़ा गया है। मंजू हुड्डा, ये तस्वीर देख लीजिए, गढ़ी सांपला किलोई से पीछे BJP के उम्मीदवार, BJP ने मंजू हुड्डा पर दाव खेला है, जिला परिषद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा लेकिन हार गई थी, और अब गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव प्रचार, हमने देखा कि धुआंधार चुनाव प्रचार, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए जी। बिल्कुल, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि वहाँ पे शायद उनको जाने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरा हरियाणा उन्होंने संभाल रखा था जी। और क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उससे पहले एक बड़ी खबर बताते हैं। कश्मीर के अनंतनाग में बने मीडिया सेंटर में News 18 पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। News 18 के जरिए लोग जम्मू कश्मीर के रुझानों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हम पहले से लगातार आपको बता रहे हैं कि News 18 विश्वसनीयता के साथ 20 सालों से लगातार सबसे पहला रुझान, सबसे पहला परिणाम, वो भी सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहा है। और बिल्कुल, जो तेजेंद्र हैं हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के सीनियर एडिटर, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी इस बारे में तफसील से हम जानकारी लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, उसे लीड मिलती हुई नजर आ रही है, BJP जम्मू रीजन में अच्छा करती हुई नजर आ रही है, क्या वो अपनी 25 सीटें रिटेन कर पाएगी वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर और मुकेश जी सामने आई है कि BJP के कुछ शीर्ष नेता जो जम्मू कश्मीर में हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग हैं, दविंदर सिंह राणा हैं जो BJP के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं,
वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिए गए हैं, उन्हें कश्मीर डेप्यूट किया गया है वहां पर कुछ पार्टियों से बातचीत करने के लिए। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कश्मीर घाटी में वो किस किस, ये जो लीडर जिनको कश्मीर भेजा गया है वो किन किन पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, किन किन लीडर से मिलते हैं। देवेंद्र राणा के बारे में मुकेश जी, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, बीजेपी में आने से पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू रीजन के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, उमर अब्दुल्ला के निहायती करीबी माने जाते थे, और उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तो देवेंद्र सिंह राणा उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। तो आज देवेंद्र सिंह राणा का कश्मीर जाना, बीजेपी की उस कमेटी के साथ जो कश्मीर में जाके बाकी पार्टियों से ये विचार विमर्श करेगी कि आगे जाके क्या सरकार बनाने के लिए उन पार्टी से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से गठबंधन करने के लिए कोशिश करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। देवेंद्र सिंह राणा का इस मौके पर कश्मीर जाना, तो क्या कोई नया समीकरण बनता हुआ नजर आएगा, ये काफी जो है दिलचस्प रहेगा जब रिजल्ट सामने आएगा। जी मुकेश जी, क्योंकि जो समीकरण है जाहिर है कि इसके लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना पड़ेगा, और जिस हिसाब से एग्जिट पोल है या जो आपका आंकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो उनसे तकरीबन आधे में दिखाई दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि उनको वहाँ भेजने से कोई चमत्कार होगा? समीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है, ये आप हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, जो ताज़ा अपडेट ये है कि जो बीजेपी है वो जम्मू में अच्छा कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस का जो अलायंस है वो कश्मीर वैली में अच्छा कर रहा है। पीडीपी को भी कुछ सीटें जो हैं बढ़त उनमें मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जम्मू की सीटें और खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टल बैलेट से जो अभी काउंटिंग हो रही है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि अभी ये देखना पड़ेगा कि जब ईवीएम की मशीन का जो काउंटिंग है, जब उसका पहला राउंड होगा तो उसके नवीयत क्या होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर, जो सियासी तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो है कि बीजेपी ने अपने कदावर नेताओं जैसे तरुण चुग और देवेंद्र सिंह राणा को कश्मीर भेज दिया है। और देवेंद्र सिंह राणा से मेरे अभी टेलीफोन पे बात हुई, मोबाइल पे बात हुई, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो श्रीनगर पहुंचे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है, आपका यहाँ पे चुनाव था, आप नगरोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप यहाँ के बजाय कश्मीर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो उनकी हर एक के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो जो नए जो वहां पे आजाद उम्मीदवार हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले थे, कांग्रेस में पहले थे, पीडीपी में थे या कहीं पे, और अभी एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके उनको साधने की कोशिश है। जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसको साधने की कोशिश है। सज्जाद लोन, क्योंकि उनके साथ जो बीजेपी का पहले से ही इंडायरेक्ट अलायंस रहा है, इसी तरह से अपनी पार्टी है उनको साधने की कोशिश है। और हो सकता है आज दिन भर वो जब रिजल्ट सामने आएंगे तो उसके बाद ये दोनों नेता उससे पहले ही कई नेताओं से मिलेंगे, जिसमें अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और जो मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट जो है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो जमात इस्लामी के। आपकी इस जानकारी को और तफसील से हम समझने की कोशिश करते हैं। सोडी साहब, जो समीर जानकारी दे रहे हैं इसके क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए मुकेश जी, जैसे हम लोग हर बार यही कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टनटीज, तो क्या होगा, अनिश्चितताएं बहुत बनी हुई हैं स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो एक क्लियर मैंडेट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता है। वहाँ पर कोलिशन की सरकार रहती है। प्री पोल अलायंस जो अभी बना हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, देखिए जिस तरह का रुझान एग्जिट पोल के बाद आया था वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे विल ईजली सेल थ्रू, वो उनकी नैया जो है पार लग जाएगी। कुछ एक दो कैंडिडेट्स की, एक दो एमएलएस की उन्हें जरूरत पड़ेगी, छोटी पार्टियां काफ़ी हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब कोई गठबंधन इस जगह पर पहुंच जाता है। माफ कीजिएगा, रोकना चाहते हैं आपको, जो ट्रेंड है वो बता दें, रुझानों में दोनों ही राज्यों में, जम्मू कश्मीर में भी हरियाणा में भी कांग्रेस आगे चल रही है, काफी अच्छी बढ़त के साथ रुझानों में कांग्रेस चल रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जनादेश का दिन है, रुझान बता रहे हैं, जहां रुझान ये कह रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में फिलहाल कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, रुझानों में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है। जी, चाहे हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, दोनों ही जगह में कांग्रेस आगे चल रही है अभी लेकिन ये शुरुआती दौर है,
और पोस्टल बैलेट की हम बात ईवीएम कर रहे हैं। से गिनती शुरू हो गई है, 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती थी, उसके बाद ईवीएम खुल चुकी है और जम्मू कश्मीर हरियाणा से जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस रुझानों में दोनों ही राज्यों में आगे चल रही है। तो अगर अब आप इजाजत दें तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जी, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ताजा रुझानों के साथ सटीक विश्लेषण के साथ हम वापस आ रहे हैं एक हल्के से छोटे से ब्रेक के बाद।